फतेह है एडियन बक्सर से कि श्रीमान जब कर्मचारी संतुष्ट रहेगा, मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा, तभी अच्छा काम कर सकता है। हम बार बार उनसे कहते हैं कि जब कर्मचारी ड्यूटी करके जाएगा, थका हारा जाएगा, तो जानवर भी अगर अपने घर जाता है तो आराम की नींद सोना चाहता है, और हम डर के साए में जीते हैं कि कहीं मेरा छत तो नहीं गिर जाएगा। तो जानवर से ही बदतर स्थिति है, जानवरों से बदतर स्थिति है। दूसरी बात कि पानी का निकास नहीं है। जब हम घर जाएंगे तो हमारे परिवार के लोग कहेंगे कि आज तो नाली का पानी घर में ही घुसा हुआ है। इसके संदर्भ में एडियन बक्सर मैं और हमारे IOW सर्वे भी किए थे, देखे भी थे, और एडियन बक्सर के द्वारा कहा भी गया था, आश्वासन भी दिया गया था, और हम लोग क्वार्टरों की जो स्थिति थी, वास्तु स्थिति, उससे भी अवगत हुए, देखे उनको। कितने दिन हो गए? हमको लगता है कि 2 महीने के आसपास हो गए, और मीटिंग तो हमारा हर एक महीना होता है एडियन से, और बार बार उनसे यही पूछा जाता है, लेकिन वो हंस के टाल देते हैं और कहते हैं कि बस अगले 26 को हो जाना है। लेकिन 26 तो 2-3 भी थी चुका, और लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 26 तक आश्वासन मिला है कि एडियन बक्सर हमारे काम स्टार्ट करेंगे। एडियन हमारे बक्सर जो है राजेश मीना जी, उनसे बातचीत हुई है, कई बार मीटिंग भी हुई है। IOW हमारे BK तिवारी जी हैं, उनसे भी बातचीत हुई है, लेकिन फंड की हमेशा परेशानी बताते हैं हमारे एडियन महोदय कि फंड नहीं है, जबकि हम लोग जोन से फंड की व्यवस्था किए हैं, अपने यूनियन के तरफ से, ACRKU बक्सर ब्रांच के तरफ से हम लोग जोन में DRM साहब से बात किए, जोन में हाजीपुर बात किए, और वहाँ से जोन का फंड जो आया क्वार्टर के लिए तो वो निर्गत हो चुका है, और एडियन बक्सर के यहाँ आया भी होगा। ये बात लगभग कितना खर्च होना है निर्माण? लमसम अभी ज़्यादा तो नहीं, 10 लाख की अपेक्षा की जा रही है कि 10 लाख मिलेगा, लेकिन 10 लाख बक्सर के लिए बहुत कम है, कम राशि है। और बक्सर ही नहीं, बक्सर, दिलदार नगर, जमानिया, रेलवे क्वार्टर अच्छे संख्या में है हमारे। पूरा परिचय, अजय कुमार, ACRKU बक्सर शाखा अध्यक्ष।